क्वेश्चन नंबर फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल थर्टी सिक्स मीटर एंड ब्रेथ ट्वेंटी फोर मीटर इन ट्राइंगल ए डी ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी एंड ई एफ इक्वल्स टू फिफ्टीन मीटर कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखिए हमसे क्या कहा गया है कि एक ए बी सी डी रेक्टेंगल है जिसमें एक ट्राइंगल बन रहा है ए डी और ये जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ई एफ की आपको लेंथ दे रखी है और ये पूछा ये शेडेड रीजन है ना वो कितना है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखिए कैसे हमसे क्या कहा गया है कि सॉल्यूशन में बताइए एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो आपको कुछ नहीं करना क्या करना है आप पहले एरिया निकाल लें रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का नाम क्या है ए बी सी डी और इसमें से माइनस कर दें क्या इसमें से माइनस करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ठीक है ये दे रखा है ए डी ई और हमारा आंसर आ जाएगा अब करना कैसे वो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ और माइनस एरिया ऑफ ए ए डी डी एक राइट right है तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इनटू बेस बेस क्या है इसमें ए डी इनटू हाइट हाइट क्या है इसकी ई एफ ठीक है अच्छा लेंथ कितनी है देखो रेक्टेंगल की थर्टी सिक्स और ब्रेथ कितनी है इसकी फोर आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है इन दोनों को तो थर्टी सिक्स की मल्टीप्लाई ट्वेंटी करोगे तो थर्टी सिक्स वन फोर्टी फोर और इसको 72 टू और करोगे तो फोर सिक्स और एट तो हमारा आया एट हंड्रेड सिक्सटी फोर मीटर स्क्वायर माइनस हाफ का हाफ लिखा एडी देखो एडी देखो एडी एडी ये बताना है रेक्टेंगल की होती है. अगर ये ट्वेंटी फोर है तो एडी भी ट्वेंटी फोर होगी तो हम रखेंगे यहां पर ट्वेंटी फोर और ई एफ कितना दे रखा है क्वेश्चन में भी है फिफ्टीन तो इससे ये कैंसिल ट्वेल्व टाइम्स और ट्वेल्व की फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन एट्टी आएगा आप करके देख लेना इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा फोर एट और सिक्स यही हमारा आंसर है आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर